एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे नो वन गेट्स आउट अलाइव मूवी की। ओवरऑल लेंथ 1 आवर 27 मिनट की, हालांकि मूवी 1 आवर 20 मिनट्स में ही ख़त्म हो जाती है, बट ये अच्छी बात है कि मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। ये बात और है कि मूवी के दौरान आपको काफ़ी जगहों पर स्पेनिश लैंग्वेज सुनने को मिलती है। तो आप लोग को अगर नहीं पसंद है तो फिर वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर, मूवी की कहानी सिंपल सी है कि एक लड़की जो कि मैक्सिको में रहती है, ये इलीगली यूएसए में आती है। अब यूएसए में आने के बाद इसके साथ क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, लेकिन यकीन मानो स्टार्टिंग के 50 मिनट आपको वो हॉरर वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। आप लोग बस यही सोचोगे कि यार ये मूवी में चल क्या रहा है, और जैसे ये मूवी ख़त्म होगी आपके माइंड में एक ही चीज़ आएगी कि पॉइंटलेस और अनएक्सप्लेनेबल का एक नया नाम है, वो है नो वन गेट्स आउट अलाइव। लेकिन मूवी की एक जो अच्छी चीज़ है मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है, वो जो एक माहौल क्रिएट किया, वो जो एक एटमोसफियर बनाया है और वो जो लाइटिंग का यूज़ किया है, उस वजह से ये मूवी आपको मजबूर करती है कि भाई नहीं, एंड तक हम लोग देखने कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने एक समा बांध कर रखा है। लेकिन जैसे जैसे मूवी प्रोग्रेस होती है वैसे वैसे आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा सीपी बन रहा है, और एंड में जो चीज़ बताई है वो चीज़ देख के तो मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, इससे अच्छा था रिचुअल्स मूवी थी जो कि नेटफ्लिक्स पर ही आती है, उसका भी मैंने रिव्यू किया था। अगर आप लोगों ने वो रिव्यू नहीं किया तो भाई ज़रूर जाके देखना, उसके बाद वो मूवी देखना। एटलीस्ट इस पर्टिकुलर मूवी से ज़्यादा वो मूवी एटलीस्ट मुझे अच्छी लगी थी। कैरेक्टर्स की बात करूँ तो उसको उतनी अच्छी तरह से नहीं लिखा, हालांकि इतने ज़्यादा कैरेक्टर है भी नहीं, बस वो एक ही मेन कैरेक्टर है एम्बर, वो लड़की का, बस उसको ठीक ठाक से, उसके पास में कुछ चीज़ें हुई, बस वही सारी चीज़ जो आपने सेम बहुत सारी मूवीज़ में देखा है। मूवी का डायरेक्शन मुझे ओकेश लगा, और उसकी एंडिंग मुझे इतनी खास नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी। और जहाँ पर ये मूवी ख़त्म हुई वहाँ से आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके आपको आंसर्स खुद ही ढूंढना है, इस मूवी में आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो ओवरऑल पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूँगा, मूवी में कुछ भी अश्लील सीन्स यानी कि सेक्स सीन्स नहीं बताया। हाँ, बस वो जो वॉयलेंस वाले सीन है वो भी है, वो भी एंड में, मतलब स्टार्टिंग में वो भी कुछ खास है नहीं। तो अगर चाहो तो ये आपके घर में बैठ के देख सकते हो। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10। खैर, अब हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई दूसरी वेब सीरीज़ की, जो कि एक डानिश वेब सीरीज़ है, यानी कि डेनमार्क की तरफ से बनाई गई सीरीज़ है, जिसका नाम है द चेस्टनट मैन। ये भी कल रिलीज़ हुई और ये आपको हिंदी में देखने को मिलती है। टोटल 6 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 51 मिनट से लेके 57 मिनट के है। और शो की कहानी सिंपल सी ये है, कुछ लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, और मर्डर्स कैसे हो रहे हैं, बहुत ही ब्रूटली हो रहे हैं, किसके हाथ किसी के पैर काट दिया जा रहा है, मतलब बहुत ही भयानक तरीके से उनके मर्डर्स हो रहे हैं। तो अब ऐसे में इस मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है निया, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, और उसके पार्टनर मार्क। अब वो लोग कैसे इन केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन सब के पीछे कौन सीरियल किलर है या कौन किलर है, कौन क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी चेस्टनट मैन। मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोग बहुत सारी क्राइम थ्रिलर्स देखते हो, हू डन इट वाले देखते हो, तो ये भी आपको सिमिलर लगेगा, लेकिन जो इसका एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया है। यानी कि स्टार्ट से लेकर एंड तक ये शो आपको बांधे रखता है, क्योंकि हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ एक ऐसा मसाला डाला जिस वजह से आप इसका सेकेंड एपिसोड देखते हो। और यकीन मानो, जो ताश के पत्ते होते हैं, कैसा जब आप ताश खेलते हो तो वो एंड तक जो आप पत्ते खोलते नहीं हो, तो बस उसी तरह का शो है कि एंड तक ये अपने पत्ते खोलता ही नहीं, और वो एक मज़ा आता है इस शो को देखने का। और आप कंटिन्यूस ये सोचते हो कि यार आखिर किलर होगा कौन, मतलब इतनी अच्छी तरह से शो को आगे बढ़ाया। शो में कैरेक्टर्स की बात करूँ तो देखो, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, यानी कि स्पेशली वो पुलिस ऑफिसर्स, उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, फिर प्रेजेंटली वो इस केस को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी तरह से बताई। क्योंकि शो स्लो होने के बावजूद भी वो जो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स यहाँ पर डाले ना, वो आपका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन खींचेंगे। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, बीजीएम काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके के क्राइम थ्रिलर शो में जिस तरह से बीजीएम होना चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही बीजीएम है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया। डायरेक्शन भी मुझे ओके लगा, और ये जहाँ पर ये शो ख़त्म होता है वहाँ से आप लोग इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार इसका सीज़न 2 आएगा। और एक्चुअली मैंने इसके 4th एपिसोड में ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये चीज़ें कहाँ आगे बढ़े, क्योंकि आप इतने सारे शोज देखा तो मुझे आइडिया हो गया। लेकिन फिर भी जो ऑडियंस देखना चाहती है वो ज़रूर इस शो को चेकआउट करें, मज़ा आने वाला है। शो को रेटिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10, और पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूँगा, शो के स्टार्टिंग में आपको एक एडल्ट सीन देखने को मिलेगा, बीच में किसिंग सीन देखने को मिलेगा, और एंड में बस एक एंड भी नहीं, उससे कई पहले एक मोबाइल में बस वो थोड़ा अश्लील सीन कह सकते हो, एक तरह का एडल्ट सीन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये घर पे मत देखना यार। बस इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोगों की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन साइन ऑफ।